लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सदई लाल कुम्हार को शासन की किसी भी योजना का नहीं मिल रहा लाभ। बीमारी की हालत में गरीबी के चलते नहीं करवा पा रहे अपना इलाज। सिलवानी के स्टेट हाईवे पर संचालित होने वाले गुरुकुल स्कूल की छुट्टी होने के बाद हाईवे पर लग जाती है बच्चों की भीड़। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नगर परिषद सिलवानी के कर्मचारियों और बच्चों को दी स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी। बच्चों और सभी ने ली स्वच्छता की शपथ। सिलवानी के बाद नंबर 3 में रहने वाले सदई लाल कुम्हार को शासन के द्वारा कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि सदई लाल ने अपने नगर सैनिक के कार्यकाल के दौरान कई पुरस्कार पाए। सन 1972 की बांग्लादेश की लड़ाई में वह शामिल हुए थे, जिसके उपरांत उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय की सरकार ने तो उन्हें सम्मान दिया, लेकिन 1982 में डिविजनल कमांडेड होमगार्ड भोपाल के द्वारा उनकी सेवा कार्य पूरी होने पर रिटायरमेंट हो गया और वह अपने घर सिलवानी वार्ड नंबर 3 में आ गए। इसके उपरांत उन्होंने यहाँ पर स्टेट बैंक में भी काम किया और स्टेट बैंक के बाद वह मेहनत मजदूरी करने लगे। जैसा कि पूर्व की सरकारों द्वारा नगर सैनिकों को किसी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार ने भी इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। सदई लाल को किसी भी प्रकार की शासन द्वारा मूलभूत योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीमारी के कारण वे अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं। शासन के द्वारा बनने वाला कार्ड भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री योजना के तहत बनने वाली कुटीर योजना का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पाया और वे एक कच्चे मकान में टपकते हुए पानी के बीच रह रहे हैं। जब सदई लाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विगत कई महीनों से सिलवानी नगर पंचायत, तहसील, कलेक्ट्रेट सभी जगह घूमकर आवेदन कर थक हार चुके हैं। वे चाहते हैं कि उनके इस शासकीय सेवा के उपरांत विभिन्न योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके, जिससे कि वे अपने जीवित रहते एक मकान अपने परिवार के लिए छोड़ जाएं। वही नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश राय से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के द्वारा उनको एवं उनकी पत्नी को नियम अनुसार पेंशन दी जा रही है। इस बार की सूची में आवास योजना के तहत उनका नाम भी आ गया है, जिसके बाद उन्हें आवास भी दे दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो भी खराब चल रहा है, स्वास्थ्य संबंधित भी आपको कोई शासन की तरफ से कोई योजनाओं का लाभ मिल सका क्या? अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, गोलियां दे देते हैं और उसमें फायदा होता नहीं है। भागे आते हैं अस्पताल से 5 रुपए खर्च करके। अच्छा, इसके अलावा कोई फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं। कोई भी लाभ आपको मिला गया? कहाँ कहाँ आवेदन करा आपने? हमने स्टेट बैंक में करा, पंचायत में भी करा, तहसील में भी करा, कलेक्ट्रेट में भी गए और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब जगह भगते फिरे, कोई प्राप्त नहीं हुआ। आकर फिर सिलवानी में आकर मजदूरी करते रहे। ये कब मिला था आपको? 1972 में मिला था। किसके उसमें मिला था? ये बांग्लादेश की लड़ाई की विजय प्राप्ति की उसमें राशन में हमको कलेक्टर SP साहब ने बुला कर परेड में से पहनाया था। पहनाया था इसको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है ये जी। सदई लाल प्रजापति। तो आपको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया था जी? हाँ। तो उसके बाद आपको कोई भी योजना का लाभ दिया गया क्या? नहीं, नहीं दिया गया। नहीं। और आपको कुटीर? कुटीर अभी कहाँ मंजूर कर, कुछ भी नहीं। कोई भी शासन के द्वारा आपको लाभ नहीं दिया गया? नहीं। इसके लिए आपने कहीं आवेदन किया था क्या? सब जगह आवेदन किया था, लेकिन कोई सुनने वाला कहाँ? कोई भी सुनने वाला नहीं? सुनने वाला नहीं है, पैसों की मांग। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में सदई कुम्हार हैं, उनको उनके द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत या नगर के द्वारा कोई भी सुविधा उनको प्राप्त नहीं हो रही है। वह कई बार आवेदन कर चुके हैं, क्या नगर पंचायत से कोई भी सुविधा उनको प्राप्त होंगी? सदई प्रजापति वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं और उनको शासन के अनुसार 60 साल होने के बाद वृद्धा पेंशन मिलती है, उनको बाकायदा सुचारू मिल रही है। सदई के बाद उनकी जो मैसेज हैं, उनका नाम है लाडली भाई प्रजापति, उनको भी हम नगर पंचायत के द्वारा पेंशन दी जा रही है। आवास योजना में सर्वे में उनका नाम जोड़ दिया गया है। क्या वजह रहेगी 5 साल में उनको नगर पंचायत द्वारा आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका? 5 साल में पहली जो लिस्ट गई थी हमारी 600 की, उसमें 441 मकान स्वीकृत हुए थे। इसके बाद सन
माननीय मोदी जी का एक मिशन है जो सन 2024 तक सबको आवास, तो निश्चित रूप से नगर में कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा कि 2024 तक कोई कच्चा मकान मिला। कहने को तो रायसेन जिला स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभु राम चौधरी का गृह जिला है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई नहीं की जाती। सिलवानी के स्टेट हाईवे पर संचालित होने वाले गुरुकुल स्कूल के छुट्टी होने के समय स्टेट हाईवे पर बच्चों की भीड़ लग जाती है, जो कि कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिलवानी के गुरुकुल स्कूल में ना ही खेल मैदान है और ना ही प्रयोगशाला। स्कूल स्टेट हाईवे पर संचालित हो रहा है। गुरुकुल स्कूल के वाहनों में बच्चों को ठसाठस भरा जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल के सामने कुआ बना हुआ है, जो कि कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सिलवानी स्कूल गुरुकुल स्कूल है, सर स्टेट हाईवे पर संचालित है और ना ही खेल मैदान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल के सामने कुआ बना हुआ है जो कि हादसे का कारण बन सकता है कभी भी। गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कुछ वर्षों से सिलवानी में संचालित है। आरटी के रूल्स के अकॉर्डिंग इनको परमिशन दी जाती है। अब इनकी जो परमिशन है वो काफ़ी पहले दी गई है। यदि इसमें खेल का मैदान नहीं है और सामने आप बता रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुआ भी है, तो निश्चित रूप से इसकी रिपोर्ट मैं वरिष्ठ कार्यालय को करूँगा और ज़रूरी हुआ तो उनको विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा कि किसी भी तरह से आरटी के नाम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नगर का गुरुकुल स्कूल है, सर स्टेट हाईवे पर संचालित है और इसमें खेल मैदान नहीं है। अच्छा, खेल मैदान उसमें पहले प्राथमिक और माध्यमिक के लिए जो था उसके लिए तो है, लेकिन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बारे में मान्यता मेरे पास नहीं है। तो सर तीसरी चीज़ उसमें यह है कि स्कूल के सामने कुआ बना हुआ है जो कि हादसे का कारण बन सकता है। उसको दिखवा के जांच करवा देते हैं, अगर होगा तो बिल्कुल लिखेंगे बंद करवाने के लिए और अगर हुआ तो कार्रवाई भी करेंगे। नगर परिषद सिलवानी के कर्मचारियों एवं नगर के बच्चों को स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस विचार के साथ सिलवानी नगर और गली गली में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करने की सभी ने शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हर वर्ष 2 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से मेरे कार्यस्थल से। लखीमपुर खीरी परिया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम धौराहरा निवासी भोला संभारी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक अनियंत्रित ट्रक ने मारुति वैन को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। इस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सीहोर जिले में अमावस्या को सीहोर जिले के आवली घाट नर्मदा कलियादेव सीप नदी के तट पर फिर भूतों का मेला लगेगा। भूत भगाने के नाम पर रात भर तंत्र मंत्र का खेल चलेगा। अंधविश्वास में जकड़े लाखों लोग अपना भूत भगाने के नाम पर चीखते चिल्लाते और झूमते रहेंगे। हमेशा की तरह भूतड़ी अमावस्या पर चौदस की रात से शुरू हुआ तंत्र मंत्र का खेल सर्वपित्र अमावस्या की सुबह तक चलता रहेगा। ढोल धमाका, गाना बजाना और ओझा गुनिया सब रहेंगे। कोई अपना भूत उतरवाने आएगा तो कोई दूसरों का उतरवाने आएगा। मेले में मध्य प्रदेश के तमाम जिले भर के लोग पहुंचते हैं, खासकर आदिवासी लोग देखे जाते हैं। जनपद पंचायत की CEO आयुषी गोयल के निर्देश में 19 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक, जनपद के तमाम अधिकारी, कर्मचारी चौक चौबंद व्यवस्था के लिए कलिया देव स्थल पर लगे हुए हैं। इछावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।